हैं। क्या है बेटा, 2 + x? ठीक है बेटा, ऐसे ही है ना बेटा, 2 + x, सॉरी 2 + x। ठीक है बेटा, और क्या है, -x² होल पावर 4, ऐसे ही है ना बेटा। अब बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ए कंसीडर करूंगा और प्लस इनटू माइनस, दूसरे को हमने क्या कंसीडर करना है बेटा, बी कंसीडर करूंगा। ठीक है बेटा, और ये हम लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 + x, इसको हम ये लिख लेंगे, और प्लस इनटू -x² जो है वो हमारे पास बी हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है बेटा, एक्सपैंड कर लें। 4 0 स्टार्ट होगा बेटा, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 2 + x पावर 4, बी की वैल्यू 0 है, वो लिखें या ना लिखें, अब आप हैबिचुअल हो। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 1, क्या आ जाएगा बेटा, 2 + x पावर 3, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, -x² होल पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बेटा, और क्या आ जाएगा, 4 2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 2 + x² और ये क्या आ जाएगा बेटा, -x² होल स्क्वेयर, फिर क्या आ जाएगा बेटा, 4 3 और ये क्या आ जाएगा, 2 + x, ठीक है बेटा, होल पावर क्या आ जाएगी, 3 नहीं 1। ठीक है, और क्या आ जाएगा, -x² होल पावर क्या आ जाएगी बेटा, 3, और ये क्या आ जाएगा, 4 4, ऐसे ही है ना बेटा। और हमारे पास क्या होगा, ए तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, -x² होल पावर क्या आ जाएगा बेटा, 4। ऐसा है कि नहीं है बेटा, 4 0 4 होता है। अब देखें बेटा, 4 0 4 होता है, लेकिन फिर भी अगेन ये क्या है, 2 + 4 0 1 होता है, सॉरी 4 क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 2 + x पावर 4 पे अगेन बायनोमियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बायनोमियल के अलावा हम नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि पावर 4 है। तो ये देखिए, मैं पहले 2 + x पावर 4 है, तो इस पे अगेन बायनोमियल लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 0, और क्या आ जाएगा, 2 पावर 4, ऐसा है कि नहीं है बेटा, फिर क्या आ जाएगा, 4 1, और क्या आ जाएगा बेटा, 2 पावर 3, और ये x आ जाएगा, उसकी पावर 1, फिर क्या आ जाएगा बेटा, 4 2, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 2, और x पावर 2 आ जाएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा, 4 3, और ये क्या आ जाएगा, 2 और x पावर 3, फिर क्या आ जाएगा बेटा, 4 4, ठीक है बेटा, और ये क्या आ जाएगा, x पावर 4। ठीक है बेटा, और इसको हम इनक्लोज कर, ये बात समझ आई कि नहीं आएगा सर? ये बस इस क्वेश्चन में सर, जहाँ पे ये था सर, वहाँ पे ब्रैकेट्स में इसको इसका बाइनोमियल खोल के पुट करना है सर। हाँ बिल्कुल, या आप इसका फार्मूला रट रट सकती हैं, नेक्स्ट वो वाले में भी ये करना होगा, नहीं, वो तो पावर 3 सीरीज है। वाले में भी? हाँ 3 पार्ट में करना, नहीं, पावर 3 का तो फार्मूला है हमारे पास, a³ + b³ का, वो तो डायरेक्ट खोल लेंगे ना, 4 1 सर सिर्फ 3 तक का होता है, 4 से ऊपर वाले किसी का भी नहीं होता, होता तो है, हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं उसका, अगर फार्मूला लिखवाना चाहूँ, अगर वो याद, लेकिन वो तो याद होना चाहिए तो फिर फायदा होगा। बिल्कुल, वैसे 4 पावर वाले का ये फार्मूला होता है, अगर मैं लिखवा रहा हूँ, a + b होल पावर 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, a⁴ + क्या आ जाएगा, 4a³ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6a²b², फिर आ जाएगा 4ab³, फिर b⁴। समझ गए? लेकिन फिर सर मतलब
फिर भी हमें सर ए और बी को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। हाँ ए और बी इतना तो काम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यस सर। अच्छा बच्चे देखें जरा, हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, 4-1 हमारे पास क्या होता है, 4-1 होता है 4 × 2 + x³। आप खोल ले क्या आ जाएगा बेटा, a³ + क्या आ जाएगा बेटा, b³ + 3a²b, यानी देखें 3a² और ये b की वैल्यू क्या है बेटा x है, फिर क्या आ जाएगा 3a² ऐसे ही है ना बेटा, ये 4 हो गए। और उसके बाद 4² क्या होता है बेटा, 6 क्या नहीं होगा 6 और क्या आ जाएगा बेटा, और इसके साथ कुछ और तो आएगा ना, -x² भी तो आएगा ना, क्या नहीं आएगा सर, x square x। हाँ तो ये x² आएगा, तो ये +4 को खत्म करके मैं इधर लिख लेता हूँ -4x², ठीक है बेटा, सही है ना। और इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा, इसकी पावर 2 है तो हमारे पास +6x² क्या हो जाएगा बेटा, सिक्स है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 2 = 6 होता है ना, तो ये मैं पहले b वाली टर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6x⁴ होगा कि नहीं होगा। उसके बाद स्केयर का फार्मूला खोल लो, 2² + x² + क्या आ जाएगा, 2 × 2 और ये x, 6 वाली आ गई टर्म। और एंड द लास्ट वन 4³ क्या होता है, वो तो आपको पता है 4³ क्या होता है, 4 होता है और ये पावर 8 है तो आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये -4 आपने एज इट इज लिखना है बेटा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, x⁶ और into क्या आ जाएगा, 2 + x, ठीक है बेटा। और 4 क्या होता है, 1 होता है और ये x⁸, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखें बेटा, इसको तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2⁴ क्या होता है, 16 होता है, 4⁦ क्योंकि 1 होता है ना, 4⁴ क्या होता है, 4 होता है, 4¹⁴ होता है ना, 4 को जब 2³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 × 8 = 32 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, 32 और 7x लिख लिया। 4² क्या होता है बेटा, 6 होता है, 6 को जब 4 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 24 और ये x² लिख लिया बेटा। 4³ क्या होता है, 4 होता है, 4 को जब 2 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 8 और x³, ठीक है बेटा। 4⁴ क्या होता है, 1 और ये आपके पास x⁴, ठीक है बेटा। यस सर। अब माइनस साइन के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2³ क्या होता है, 8, 8 को जब 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 4 = 32, तो ये −32 क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, −4x⁴ क्या आ जाएगा, 5, ऐसे ही है ना बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4x⁵। अब ये 3² 4 4³ = 12 को जब 4 के साथ करेंगे 48 आएगा कि नहीं आएगा, −48 और x⁵ क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखना ये x है और ये x² है, परेशान तो नहीं होगी बेटा। अब देखें 3² = 6 6² क्या आ जाएगा, 24, तो −24 x⁴ आता है कि नहीं आता बेटा, हाँ बेटा,
यस सर, और कोई नहीं रहेगी अब, सिक्स एस के साथ शुरू हो जाए बेटा, क्या आ जाएगा, 6 4 24, तो ये आपके पास 24x पावर क्या हो जाएगा बेटा, 4, और फिर क्या आ जाएगा, 6x पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ठीक है बेटा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा। सर ये आपने कौन सा ओपन किया है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है सर। हाँ तो यही है ना, 6 4 24x आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 6x पावर 6 हो गया, फिर क्या आ जाएगा, 6 4 24 और x पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा, 24x पावर 5, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 4 2 8 और एक्स पावर क्या आ जाएगा बेटा, 6, और प्लस माइनस माइनस 4 7 7 7 7। पहले तो देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने, 1 ही है, ऐसे ही है ना, एक्स वाले क्या है, 32 पावर एक्स है, और उसके साथ एक्स वाला कोई और है कि नहीं है, नहीं है, तो ये मैं ऐसे, अब एक्स स्क्वायर वाले देख लें क्या क्या है, एक्स स्क्वायर वाले हम काउंट करेंगे, एक्स स्क्वायर वालों के पहले मैं साइन 34 32, अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और क्या है, और कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा, -8x2, ऐसे ही है ना बेटा। अब एक्स क्यूब वाले देखते हैं बेटा, ये एक्स क्यूब वाला डबल टिक करूंगा, ये एक्स क्यूब है और कोई नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा, काउंट करो, -40, हाँ तो ये आपके पास हो जाएगा -40x3। अब फिर एक्स पावर 4 वाला देखें, मेरे ख्याल में ये यूनिक है और कोई नहीं, ऐसे ही है ना बच्चे, यस सर, x5, तो x5 वाला कोई है, ये एक ही है, x5 का 1 -4x5 है और 24x5 है, हाँ तो 20 हो जाएगा x5, तो ये 20x पावर 5 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, 6 वाला एक ये है, 6x पावर 6 है, और x पावर 6 वाला कोई है, ये भी है, यस सर ये भी है, -8, हाँ तो क्या हो जाएगा, -2 एक्स सिक्स, हाँ और क्या बच गया, 7 वाला वो एक ही है, और 8 वाला तो हाई, समझ गए बच्चे, यस सर।